नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे MGSU यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का एनवायरनमेंट स्टडी के एग्जाम्स के टॉप 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको हर ऑप्शन से रिलेटेड फैक्ट भी बताऊंगा, तो इस हिसाब से हम लगभग 100+ क्वेश्चन कवर करेंगे वीडियो में। और मैंने अपने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 1000 क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आज अपना दूसरा पार्ट कवर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी वीडियो। आज का अपना पहला क्वेश्चन, वाय यंत्र जो वायु की गति मापने का कार्य करता है, तो वायु की गति मापने का कार्य करता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? वो होता है एनीमोमीटर, जो कई बार आपने बसों पर लगा देखा होगा, ऐसा एक कुछ ऐसा जिसमें चार लट्टू से लगे होते हैं, वो बस चलने पर घूमता है, उसी को एनीमोमीटर कहते हैं। आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिक एनीमोमीटर भी आ गए हैं, और जो अपना है स्पीडोमीटर, ये व्हीकल्स के अंदर लगा होता है, जो साधन के अंदर उसकी स्पीड मापने के लिए, स्पीड को मापने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। और जो आप ये देख रहे हैं पोटोमीटर ये जो पोटोमीटर है, ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं पोटोमीटर। जब एक पौधा पानी को ऊपर खींचता है पत्तियों तक, तो उसकी जो पानी खींचाव की जो गति होती है वो पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। और जो अपना है हाइग्रोमीटर, ये आर्द्रता को मापता है, आर्द्रता यानी इन्वायरमेंट के अंदर अपने कितना वाटर वेपूर है। आज का अपना अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सतह से वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक है? तो 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा की लाल मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो उड़ीसा की लाल मृदा में मात्रा अधिक होती है आयरन की, और आयरन को पीरियोडिक टेबल में फेरस भी बोलते हैं, फेरस लैटिन वर्ड है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आयरन को लैटिन वर्ड क्या है, तो वो है फेरस, FERS, फेरस, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था के एम मुंशी ने, तो उनका पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यालाल मुंशी। ओके, ये इनकी फोटो नीचे आप देख पा रहे हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में है, और ये नीलगिरी पहाड़ियों पर बनी हुई है, और इस साइलेंट वैली का जो है 89.52 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, और है कहाँ पर? ये नीलगिरी हिल्स पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर बनी हुई है ये साइलेंट वैली, और इसकी स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1920 को, 26 दिसंबर 1980 को। भारत में पारिस्थितिकी अध्ययन किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था ड्यूट जियोन ने। MAB का पूरा नाम क्या है? तो MAB का पूरा नाम है मेन एंड बायोस्पियर, जिसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। अब शुरुआत 1971 में हुई, तो शुरुआत किसने की? तो वो की थी यूनेस्को ने, UNESCO, यूनेस्को। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है अपना पेरिस में, पेरिस। पृथ्वी सतह पर कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका हुआ है? तो 73%। बहुत आसान क्वेश्चन है। भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप को मापा जाता है। वोल्टामीटर आपको पता होगा, और थर्मामीटर जो टेम्परेचर को मापने के लिए, वोल्टामीटर इलेक्ट्रिसिटी और एमीटर दोनों ये फिजिक्स की टर्म है, फिजिक्स में इनका यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली मापन में दोनों का काम होता है। ध्वनि की इकाई है, तो ध्वनि की इकाई है डेसीबल। किस शहर का संबंध मिथाइल आइसोसाइनेट त्रासदी से है? यानी कि किस शहर का संबंध मिथाइल आइसोसाइनेट, एक जहरीली गैस है, इसका संबंध किस शहर से? तो वो है भोपाल, आपने सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 1984 को हुई थी, 1984 में। और इस त्रासदी में लगभग 2500 से लेकर 5000 लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया था, और आज भी इससे 5 लाख लोग प्रभावित हैं, और अब भी वहाँ पे भोपाल में बच्चे जन्मते हैं तो उनमें इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। पेट्रोक्रोप पादपों का मुख्य उत्पाद होता है, तो तेल, ऑप्शन नंबर डी आपका। बंद कमरे में ईंधन जलाने से कौन सी गैस मृत्यु का कारण बनती है? तो वो होती है अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। लिम्नोलॉजी किसका अध्ययन है? तो लिम्नोलॉजी है जो अपना वह स्वच्छ जल पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर बी। मृदा नमी को मापने का यंत्र है, तो वह साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता होती है,
तो CO2 की सांद्रता होती है 300 ppm। अब इसका मीनिंग क्या हुआ CO2 की सांद्रता, ये टर्म कुछ अटपटी सी है आपके लिए, तो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 10 लाख यानी कि 10 लाख अणुओं में CO2 के कितने अणु होते हैं, तो वो 300 होते हैं। अगर एक कमरे में टोटल 10 लाख वायु के तत्व है या 10 लाख वायु के पार्टिकल्स है, तो उसमें 300 पार्टिकल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। मृदा में CO2 की सांद्रता वायुमंडल की अपेक्षा होती है तो अधिक होती है। या किस प्रदेश का जीव है, तो या कि इनमें से लद्दाख का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर अपना। पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित है तो अस्थमा यानी कि एलर्जी, कई लोगों को एलर्जी होती है प्रदूषण से। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये एक देश भी है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा देश है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा देश अमेरिका तो उसके बाद में कौन है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक पे भी तो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रैंक पे तो हो गया अमेरिका, सेकंड रैंक पे है अपना देश भारत और थर्ड रैंक पे है चाइना, कोरोना वायरस की देन। सबसे बड़ा पारितंत्र है तो सागर। सागर में सबसे ज़्यादा वन्य जीव तो नहीं कह सकते, लेकिन फ्लोरा एंड फना सागर में सबसे ज़्यादा होते हैं, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा पौधों के लिए यूज किया जाता है और फना पक्षी पशु के लिए यूज किया जाता है। ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है तो काले हिरण के लिए। और ताल छापर अभ्यारण्य है कहाँ पे, तो वो है चूरू राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसमें अवस्थित है वह, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपना है भरतपुर में। इसको गाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, गाना। ये एक बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे साइबेरियन सारस देखने को मिलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है, तो वह असम। विश्व के किस भूभाग में जीवों का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है, तो वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो ये आपका आयोजित किया गया था रियो डी जनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है, और ये 1992 में आयोजित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को, और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो 11 जुलाई को। ये दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं इनको 3 स्टार देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लेते हैं इनको। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो रावतबाटा। और अब पूछ ले रावतबाटा कहाँ पे है, तो वो है चित्तौड़गढ़। आपको पता होगा कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ व अजमेर ऐसे दो ज़िले हैं जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः शुरू हो जाती है। रशिया के आणविक संयंत्र चार्नोबिल की दुर्घटना किस वर्ष घटित हुई, तो वो हुई थी 1986 में। और ये जो है ना, ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। राजस्थान में किस समुदाय के लोग जंगली जानवरों को नहीं मारते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के लोग। और पूछ ले बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो संत जाम्बू जी, जिन्होंने 29 रूल दिए थे, 29 यानी 29 नियम दिए थे, यानी 20 + 9, जो 20 और इन 9 नियमों का पालन करेगा वही बिश्नोई कहलाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, लोइन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो मुख्य उत्तरदायी गैस है वो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो अभी मैंने ये थोड़ी देर ऊपर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो अपना ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को। विश्व के किस महाद्वीप में वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो वो अपना अफ्रीका। अफ्रीका में मरुस्थल भी बहुत है लेकिन वन भी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। डबोक हवाई अड्डा संबंधित है, तो वो है अपना उदयपुर से, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। इसको ही बोलते हैं महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भी इसको कहते हैं।
महाराणा प्रताप एयरपोर्ट आप याद रख लेंगे। डॉक्टर सलीम अली को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है, तो उनको जाना जाता है पक्षी विज्ञान के लिए। अभी जो बीए फर्स्ट इन्वायरमेंट स्टडी का एग्ज़ाम हुआ था जो ओपन स्टूडेंट थे उनका, तो उनमें फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि कोयम्बटूर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, तो उसका आंसर था तमिलनाडु। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो वो किया था ए जी टांसले ने। अम्ल वर्षा जल में निम्न के मिलने का परिणाम है, अम्ल वर्षा जल में निम्न, तो जो अपनी एसिड रेन होती है वो किसके कारण होती है, अगर पानी में क्या चीज़ मिली होती है उसके कारण हम कहते हैं कि एसिड रेन हुई है, जो कि हमने सुनने में आया कि तो ताजमहल को प्रभावित करती है। ये अपन बना देते हैं यहाँ पे ताजमहल। मेरा मकसद किसी भी मोन्यूमेंट को गंदा दिखाना नहीं है, कृपया इसे गलत वे में ना लेकर जाए। तो इसका जो आंसर है वो होगा अपना सल्फर व नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। खेजल्डी गांव किस जिले में अवस्थित है, तो खेजल्डी गांव है जोधपुर में। यह भी बिश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। वन अनुसंधान संस्थान है तो देहरादून में। राजस्थान का राज्य पक्षी है तो ये है गोडावन। ये काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन रहता है, कई बार इसका आंसर मोर भी होता है, कई बार गोडावन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आंसर सही होता है, वो गोडावन ही होता है। तो अपना अगला क्वेश्चन सी ए जेड आ रहा है, इसको काजरी भी बोलते हैं उस स्थित, तो वो जोधपुर में है। इसको पूरा नाम है सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर में है अपना। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली गैस कौन सी है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज जो मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, उससे त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, तो उससे जो हमारा रक्षा करने वाला जोन है वो कौन सा है, तो उसको ओजोन परत बोलते हैं, वो समताप मंडल के अंदर होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया कि ओजोन परत वो किस मंडल के अंदर है, तो वो समताप मंडल। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा जल में निम्न के मिलने का परिणाम है, तो सल्फर एवं नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्वेश्चन हमें अपने डिस्कस किया था। जीवाश्म पार्क अवस्थित है तो वो है अपना जैसलमेर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की संकटग्रस्त वनस्पति है तो वह रोहिड़ा, अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सब्सक्राइब शेयर लाइक इट्स रियली इंक्रीज मी, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि इससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। अगर मेरे कारण किसी बच्चे का थोड़ा सा फायदा होता है तो वो इट्स रियली इंक्रीज मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लव यू।